झूठे तेरे बाट राजू झूठी खोली तने दुकान झूठा सोता बेचन लग गया नहीं सलका नाम निशान झूठा बोले कमती तोले आए गया के काटे कान बोले कमती तोले आए गया शेरनी का जाया कुकर छोटा लत शिकारा की सोरायल बाती करे खराबी डिग्गी खुला गाड़ी गाड़ी काली गाड़ी हेलो हाँ टिंकू भाई मैं बोल रहा हूँ काम हो गया है मैंने बम बना लिए कहाँ रखने हैं ये पूछना है क्या बड़ा बाजार नहीं भाई वहाँ बहुत भीड़ होती है पिछली बार गया था मेरा बटुआ मार लिया किसी ने घर आने के लिए पैसे नहीं थे मैं वही खड़ा रहा बम मेरे मुंह पे फट गया मेरी आईब्रो उड़ गई थी 3 महीने थोड़ा पहचाना नहीं अली फराना बोलते थे मुझे भाई आप कहते हो तो बम थाना लगा दिया जुर्माना लगा दिया फिर भाई आप कहते तो खेड़ी लगा दे बम और अपना दुश्मन भी रहा एक भाई बदला लेना अपने को पिछली बार बम लगाया था गड़बड़ हो गई थी टाइम बम की घड़ी निकाल कर अपने किचन में लगा ली भाई अपने को बदला लेना है एक तो उसने बम की घड़ी निकाल ली और एक ऊपर से उसने हरी तारी थी जोर से उखाड़ी कि डॉक्टर बोले बम कभी बाप नहीं बन सकता भाई मैं बाजार में बम लगा देता हूँ टाइम बताओ कितने बजे का बनना है 7 बजे का ठीक है मैं 7 बजे का टाइम बोलूँगा समझो काम भाई 7 बजे का टाइम बोल रहा पर मैं रोक कर दूँ वैसे भी इंडिया के लोग बहुत बार ही उठे हैं ये लग गया बम अब मैं साइकिल लेकर जाता हूँ किसी को शक भी नहीं होगा हॉस्पिटल मेरी माँ हॉस्पिटल में है उसके साथ क्यों नहीं चली गई सिर्फ यहाँ दिया खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही है प्लीज मुझे लिफ्ट दे दीजिए मेरी माँ की जिंदगी और मौत का सवाल है मेरे पास भी कुछ ऐसा ही मसला है देखो अगर ये आसमान टाइम पे नहीं पहुँचा तो हजारों लोगों की जान बच सकती है अगर तुमने मुझे टाइम पर पहुँचा दिया तो मेरी माँ की दुआएं अरे दुआओं का मैं क्या करूँगा चल निकल यहाँ से लगता है तुम भूल रहे हो जहाँ दुआई काम नहीं आती वहाँ दुआएं काम आती है पानी में कुआ डाल के दे देती उस पर डालने के लिए उसको क्यों इतना खर्चा किया इतने बदतमीज आदमी हो तुम बदतमीज यस आई एम मैं तो कुछ भी नहीं मेरा दादा जो वो मुझसे भी बड़ा बदतमीज था सड़क पार करता था नहीं ट्रैफिक होता था कोई रास्ता नहीं देता था बीच सड़क पजामा उतार देता था छी फिर लोग उसे देखते रहते थे वो सड़क पार करने नहीं जाता था अरे तो कुछ भी नहीं मेरे दादा का भी बाप मेरा परदादा वो भी पजामा उतार देता था नहीं 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 वो तो पहनता ही बीच सड़क जाते था अरे चलिया से मुझे बहुत काम है अरे प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो अरे अरे यार सुन तो लो चार भी बकले फिर आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं आलू की सब्जी में नींबू निचोड़ दूं जानू तेरी याद में खाना पीना छोड़ दूं चूहे बुड्ढे मेरा मन करता है तेरी पैंट में चूहे छोड़ दूं अरे देखो उसका पजामा उतर रहा है शायद तेरे दादा अरे वो मेरा दादा नहीं है पर उसका तो पजामा उतर रहा है अच्छा तो तेरा मतलब है कि जो बुड्ढा पजामा उतर रहा है मेरा दादा है लेकिन उसका पजामा तो उतर रहा है अरे इसका मतलब रेल पटरी पे इतने लोग पजामा उतार के बैठे होते मेरे दादा है पागल है अरे तुम अपनी वाइफ को क्यों डांट रही हो अरे चाचा है मेरी वाइफ कौन ही अरे बेटे इस साइड आओ अरे तुम बताओ तुम लोग झगड़ क्यों रही हो अरे इसी बात पर झगड़ रहे थे जो आजकल बुड्ढे उनको क्या जरूरत है के मामले में टांग डाने की अरे यार तुमने तो मेरे ऊपर ही लाइन पटक दी अरे भाई ये पता बता दो मुझे कहाँ पे मिलेगा ये पता बता दो तो एक काम कर सीधा चला जा हटक पाओगी जब रेल आओ ना निकल जिए रेल काट जाएगी तना पुलिस वाले आप ले जाएंगे ठाकर
अरे यार डराओ मत, वैसे तुम कहाँ पे जा रहे हो? मुझे हॉस्पिटल जाना था। मुझे भी हॉस्पिटल जाना था अंकल, मुझे भी हॉस्पिटल जाना था। आज हड़ताल है, नहीं टैक्सी नहीं रिक्शा। चलो कुछ करते हैं, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है और तुम्हें भी। हाँ। लो इस भाई साहब पे कह देते हैं अस्पताल छोड़ दोगे हमें? अरे दिमाग मत खाओ यार, बैठो। चलो 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 चलो। अरे एक मिनट एक मिनट, अरे क्या ये क्या हो रहा है? इसने कहा था मेरी साइकिल के पीछे बैठने को, वो उपग्रह बैठ गया मेरी साइकिल पे। इसने कहा था पीछे बैठने के लिए, आगे बैठे पहले से भरा रहेगा। लिफ्ट मांगने आ जाते हैं, बैठना आता नहीं। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको मेरा पैर आ गया, रुको रुको रुको। अरे तुम यहाँ बैठो। अरे ये साइकिल कहाँ गया? चलो उतरो। क्या हाल कर दिया गद्दी का, देख शर्म के मारे मुंह नहीं उठा पा रही अपना। अरे अंकल चलो सड़क पे चलो, फिर छोड़ूंगा फिर मेरा लिफ्ट। चलो अंकल चलो बैठो, बैठ गए? चल अकेला चल अकेला चल अकेला। अरे रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो, काम कर। अरे भाई तो नन्नू ने बताया तू के काम कर रहा है? मैंने तुम जैसे बुड्ढो को ना लिफ्ट देके ट्रक में ठोकता हूँ। इसमें क्या है रे? अरे 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 इसमें बच्चों के लिए आम है। यो गुड़ी वाला आम तो वही पहली बार देखा। जर्मनी तो लाए हुए आम, आफू जाम आयो जब खराब हो जाए ना तो 12 घंटे बाद मेरा लाजा खराब हो गया। ठीक एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट ले लो। लेकिन हमें तो सीधा जाना था। ओड़ा ना पुलिस स्टेशन है। क्या पुलिस स्टेशन? मैंने क्या करा है? हमने बेरा से इतना बम लगा रखे है, सीधा होगा ना चाल पड़े। यू आर अंडर अरेस्ट। इसका मतलब तुम पुलिस वाले हो? लत्ते से दौड़ा गया तेरे चार थाने में। अच्छा तो हम क्या सोचो, मैं तारे काबू में आ जाऊंगा? सीधा सीधा होगा चाल पड़े, नहीं तो एक के है तने को सीटता ले जाऊंगा। चाल सीधा होगा ना। अच्छा दिखाऊं तने मारी पावर? दिखा दे। मुंडा मलवई गोरी है चर्चे साडे मिसी सागा, सुने आ जिने मानक होवे नहीं सुनदा लेडी गागा। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं इंस्पेक्टर दीपिका, लोग मेरे नाम से कांपते हैं। ड्रू तो मैं भी हूँ और के यो मेरा कुर्ता वहाँ उड़ा है। माय नेम इज चिंगम, चिंगम से चंगू से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अरे वो तो ठीक है, तूने तो मेरा जमा पौधी ना डाले माड़ी ही है। तू मुझे छोड़ दो वरना मैं यही बम फोड़ दूंगा। ये बम मैंने किसी की जान लेने के लिए नहीं लगाया है, मेरे सरकार से कुछ सवाल है। अरे हम सरकार को इतना इतना टैक्स देते हैं और फिर भी सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और गली कच्ची है। लेकिन बॉस अगर ये बम फटेगा तो और भी बड़ा गड्ढा हो जाएगा, अपनी जोंगा उसमें पड़ी पाओगी फिर। वो मुझे नहीं पता, मैं अपने बम फोड़ू या तुम्हारे गड्ढे देखू। अरे मुझे सरकार से बदला लेना है, घर बैठ कर नोट छाप रहा था, पुलिस आकर बोली ये नोट नकली है। मैंने कहा ये नोट तो असली है, पुलिस बोली अगर इसमें चांदी की तार नहीं है। मैंने कहा अगर मेरे पास चांदी होती तो मैं ये नकली नोट क्यों छापता? मेरा मकसद नकली नोटों को अमेरिका ले जाकर वहाँ से बहुत सारे डॉलर लाना है और भारत से गरीबी भगानी है। लेकिन ये बम फटा तुम भी मारे जाओगे। डिंक चिका डिंक। अगर आपने हमारा चैनल बढ़िया लग गया तो हमारे चैनल ने लाइक और शेयर भी करियो और सब्सक्राइब और भाई यो कमेंट करो बढ़िया बढ़िया। Oh.